मचान पर गुजारा कर जाता है, पर पानी छूती तो भागे के परी कहीं और। मुखिया लोग आयलो सु वोट लेवे खातिर एतरे थोड़ी आयलो देखे और जरा तो पानी में आयलो देखे के सु गइल बा के हाल पर बने के बाढ़ कितना बहुत पोजीशन खराब बा। गांव के लोग बा जेकरे घर में पानी नहीं के लोग कुछ लिया के दे देता तो खाते नहीं सन, न तो घर में तो व्यवस्था नहीं के जे खाना पीना बन सकेला। हमने कहाँ भोजन भइल बा, खैला बिन हमने के तवा भइल बन सन, जाके दूसरा घर से खाना आइल मांग के। चंपारण के लोग पर और बाढ़ प्रभावित इलाका में जोन की बात कुदरत के भी कहर बा, नीचे बाढ़ के पानी और ऊपर से जोन की बा आसमान के पानी दोनों गिरल बा। ये जनता के चूल्हा बा, जमना चूल्हा में आग जला करके और दो वक्त के रोटी जोन की बा पकावल जाला। ना उजाला योजना, ना शौचालय, ना बा आवास, जनता के एकरा पर करियास। जी नमस्कार, हम बानी राजा और वलंगी, देखा तनी अपन भोजप्रिय चैनल झलको चंपारण। अगर अभी तक हमारा चैनल को अपने लोग सब्सक्राइब ना करले होगी तो सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन जरूर दबाई, काहे कि जौन भी न्यूज हमारा चैनल से डली अपने लोग इनके नोटिफिकेशन मोबाइल में जरूर चलाई। फेसबुक पेज पर भी जाके हमरा के फॉलो कर सकता नहीं, लाइक कर सकता नहीं। अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के इजरा नवादा पंचायत में उपस्थित बनी। अभी तीन दिन से जौन की बाढ़ के पानी लगातार जनता लोग के तबाह कर रहा बा और जलस्तर इतना ना ज्यादा बढ़ रहा बा कि हम अभी केहू गरीब आदमी के आंगन में बनी। देखिए हमार पैर के जौन की बाढ़ ठेहुना तक पानी पहुंच गल बा और जलस्तर इतना तेजी से बढ़ रहा बा कि घर में अपने स्थिति देख सकता नहीं। एने देखी जनता के जौन की बा कल बा और एने भी बढ़े जनता लोग के घर बा, यहाँ जलावन के लकड़ी भी बा, यहाँ पर जौन की बा गैस सिलेंडर चूल्हा भी बा, लेकिन ये गरीब जनता के पास पैसा नहीं है जमना से अपना गैस सिलेंडर चूल्हा के जौन की बा ला करके खाना बना सके। अभी ये विधानसभा क्षेत्र में पिछला बार भी इतना ज्यादा पानी आ रखा जमना से जनता लोग तबाह हो गए। देखी लोग भाई लोग देखिए इबा हमार बिहार ये जनता के चूल्हा बा, जमना चूल्हा में आग जला करके और दो वक्त के रोटी जौन की बा पकावल जाला। के हाल पर बोलनी के बिहार में हमने के वही गन हाल बा, माने के चलत परिवार बच्चा सब के भोजन जोन करत रसन। हमने कहां भोजन भइल बा, देख खैला बिन हमने के तवा भइल बन सन, जाके दूसरा घर से खाना आइल मांग के। दूसरा घर से केतना से पानी भिन घर में घुसल बा? अच्छा तीन दिन से चार दिन से पानी घुसल बा घर में। मुखिया से ना कहली कि हम गरीब जनता बानी, ना कुछो ना करला, ना वार्ड करला, ना मुखिया करला, के कुछो ना कम कर तू वार्ड मुखिया कुछो ना बाढ़ में के लगे कि आवे ला नेता होता जिलो चिवरा बैठा हो ना क्यों ना सब के दवाई वाई के बिक्री ना कुछो ना ना हर एक साल बाढ़ आवेला। हां हर एक साल बाढ़ हर एक साल पानी सरोवर की तमाम रहे चौकी ओकी घर में नहीं खे बा एगो चौकी बा तो पांच जोड़ जोड़िया के धइल बा पानी के चलते एगो चौकी बा। हां और मचान पर सुते नहीं। हां चूल्हा वाला वाले के नहीं मिलल? ना नहीं के मिलल सर हमनी के। उजाला योजना वाला? ना नहीं के भेटल ना। अच्छा बाढ़ के पानी कितना ही सर हुआ पंचायत में जोर की बाइल बा? जी सर जान जाए चार दिन से तबाह बन एकरा पहले पहले हट गए लख आ कर के। कितना बार आइ लख पिछला बार? तीन बार चार बार पानी पांचवा सर चढ़ल बा। अच्छा पांचवा बार आइ बा जी। अच्छा पांच बेर में कब कितना रुआ अभी तक मुआवजा सरकार के तरफ से मिलल जेना से अपन के परिवार चल सके? देव 6000 रुपए भेटल लख आज 15 दिन होवल सर। 15 दिन हो गेल मतलब पांच बार पानी के 6000 जी। माने एक बेर पानी भेजा देता ओकर 1000 रुपए जोड़ के दिया था बिहार में जी। ना उजाला योजना, ना शौचालय, ना बा आवास, जनता केकरा पर करिया सिरोवल समझ सकता नहीं। और वो लोग हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी कि जनता केकरा पर आस करो। पानी में झुरवा नहीं सको यो नहीं का सरन जे हमनी करके बैठल जा सूर्य ऑन पानी खाई जा हमनी के बैसाखे से पानी जलमय कर देले बाटे। अच्छा पर माने मुखिया जी लोग से आवास योजना वगैरह के बारे में कहे ना रोवल कहे नहीं के उ कहले जे करा दिले सराओ कहले जे हो जाए फिर पलट जाला लो। के हाल भैया के माने बाढ़ कितना ही सही में आवल बा? बाढ़ यहां 4-5 महीना से आ रहल बा। बाढ़ 4-5 महीना जी। के मतलब तो लोग के पढ़ाई लिखाई कुछ ना सब बंद बा। अच्छा यहाँ पर विधायक जी लोग के द्वारा चाहे मुखिया जी लोग के द्वारा खाना वाना के सामान उमान वितरण होला तो ना? कुछो ना पानी के बोतल होके चाहे कुछो ना वितरण होला। चंपारण के लोग पर और बाढ़ प्रभावित इलाका में जोन की बा कुदरत के भी कहर बा, नीचे बाढ़ के पानी और ऊपर से जोन की बा आसमान के पानी दोनों गिरल बा। अभी जोन की बा प्लास्टिक बा सरकार के द्वारा प्लास्टिक शायद मिलल हो जहाँ तक हमारा अनुभव बा और प्लास्टिक तान के चाचा यहाँ सुतल बनी। बगल में थरिया लोटा धैल बा खाना और नीचे देख सकते नहीं पूरा पानी, यानी ना जाए के रास्ता बा ना आवे के रास्ता बा। और घर में जोन की बा पूरा चूल्हा चौकी सब जोन की बा बिल्कुल तरह से पानी से ढह चुकल बा। घर कहने बराबर ये बगले में बा, बगल वाला राउर घर जी। के हाल पर बोलने के बाढ़ कितना? बहुत पोजीशन खराब बा, लेके 3-4 झोंक पानी अगल, कोई पूछनिहार कोई देखनिहार नहीं। अच्छा दावा हुआ के मतलब बच्चा सब कोई चीज ना? खुद हमार तो बुखार से 4 दिन से बानी तबियत खराब बा। दवाई किन का ग्रामपुर से खनी? भोजन के व्यवस्था कहाँ से? भोजन के व्यवस्था कुछ गाँव के लोग बा जेकरा
घर में पानी नहीं खेल लोग कुछ लिया के दे देता तो खाते नहीं सन न तो घर में तो व्यवस्था नहीं है जो खाना पीना बन सकेला। हर साल बाल आवत हर एक साल ही लेके चार बार हो चुकल मतलब एक साल में चार बार हो गए और पिछला साल भी आई रहे मतलब पढ़ भी तो पढ़ भी आई हर एक साल आवेला खेती बाड़ी तो होला लेकिन खेती बाड़ी कहाँ बा सब दहा गई अभी कोई पूछने यार कोई देखने यार नहीं है अभी जब तक पानी चल रहा है अपने के वार्ड में जी कितना घर ऐसा हो जो की बाढ़ के पानी में कम से कम 40 घर पानी जी घर में पानी चूल्हा चौकी भर ले चूल्हा चौकी यानी पूरा डूबल बा खाएगा कुछ नहीं कोई चले गए मुखिया लोग आए वोट लेवे खातिर एतरे थोड़ी आयो देखे हट जाए तब पानी में आयो देखे के सूख गई हाँ एतरे कहा कुछ देवे करू चीज दिक्कत से चलत हाँ पाइप लागल बा नल जल भी डूब गए जमला से जनता जाके वहाँ के पानी कैसे भर सकता हाल तो ये देखता नहीं पूरा घर दुआ डूबल बा मचान बना के इस गुजर करता नहीं सर पानी अभी बढ़ते जा रहा बा अभी पानी के कोनो लिमिट बना जे अभी पानी कम हो कि ना अगर पानी ज्यादा बढ़ जाता मचान के अगर जी अब ये मचान पर गुजारा कर जाता है पर पानी छूजी तो भागे के पड़ी कहीं और तब बारिश होता यही में गुजारा कर जाता बैठ बैठ के का कल जाये ये समस्या बा भोजन पानी ये सब कुछ भूजा भरी खा के आदमी रहता है पूरा घर बा और घर के यहाँ पर कल बा कल के बा अगल में नल जल बा और यहाँ पर पूरा बिल्कुल तरह से पानी भरल बा केंगा हाल बरवाने के बाढ़ के समय में पानी बहुत बा परेशानी होता बाल बच्चा के अच्छा खाना पीना खाना पीना के 4-5 दिन हो जाता खैला कोई खाना नहीं खे बनावता ना कोई खाना देता ना कोई साधन देता कोनो साधन यहाँ पर कुछ साधन नहीं हमने के गाँव बिल्कुल तरह से जो उनकी बाढ़ आई पानी में डूब गई लोग हाँ कोई पूछनी हार नहीं पानी आवत ओकरा बाद में नीचे के जो गेहूँ चावल बा फिर छत पर चढ़ावल जाता है छत पर से फिर नीचे से छत पर से नीचे ये दो कारण हाल बा 3-4 महीना हाँ कबो नीचे कबो ऊपर तब एगो ऊपर वाला के जो उनकी बा छत्र छाया एकदम दिखाई दे रहा बा कि बादल पूरा एकदम लगल बा हाई अलर्ट जो उनकी बा अभी चंपारण में चल रहा बा 24 घंटा के हाई अलर्ट बा कि लगातार बारिश होके के संभावना बा और ऊपर से बारिश और नीचे से बाढ़ के पानी तबाह कर बा और दूसर में जौन घर में अनाज बा ओकरा कबो छत पर चढ़ाई कबो छत से नीचे रखी और वह घर देख रहा बानी इहो जौन की बा इजरा नवादा पंचायत के वार्ड नंबर 6 के जनता लोग के घर बा के बा यहाँ पर अपने लोग के सिचुएशन के समय चल रहा बा खर्चा पानी आई तरह सिचुएशन में सब सब डूब रहा है लोग अनाज पानी वही है धरा हुआ है मचान पे कोई रह रहा है बारिश आ रहा है तो भी गीला हो रहा है कोई सुनवाई होगा नहीं आए चलो वोट के टाइम में हाँ वोट देना है हमको ही देना है बस इतना हो गया सुनवाई होगा चैनल के सब्सक्राइब ना करी तो सब्सक्राइब करी और बेल आइकन जरूर दबाई फेसबुक पेज पर भी जाके झलको चंपारण सर्च करी फॉलो करी लाइक करी इंस्टाग्राम पर भी हमारा न्यूज के देख सकता नहीं और आज जौन की बा वाल्मीकि नगर से ज्यादा जौन की बा पानी छोड़े के न्यूज सामने आ रहा बा जलस्तर लगातार बढ़ रहा बा पूर्वी चंपारण में कोनो भी क्षेत्र में अगर गंडक नदी के किनारे जौन गाँव बा जहाँ पानी से जौन की बा ज्यादा तबाही बा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताओ जाओ जय हिंद जय भारत जय चंपारण।